हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आपको गणेश चतुर्थी की बहुत बहुत बधाई हो। बाकी आज जो मैं बात करने वाला हूँ वो ये करने वाला हूँ कि आप अपने मीशो अकाउंट पे ग्रोथ कैसे करें, क्योंकि मोस्टली सेलर से मेरी बात होती है तो वो कहते हैं हमारा मीशो पे 4 से 5 मैक्सिमम 10 ऑर्डर्स आते हैं पर डे के, तो आप कैसे उसके ऊपर ग्रो कैसे करें, 100+ ऑर्डर कैसे लाएँ। तो इसका सबसे बेस्ट तरीका है कि आप उस पर एड कैंपेन रन कीजिए, जो भी प्रोडक्ट आप उसको प्रमोट करना चाह रहे हैं, जिनके ऑर्डर्स आप ग्रोथ कराना चाह रहे हैं, उसके ऊपर आप एड कैंपेन्स क्रिएट कीजिए और जो भी रिकमेंडेड बजट मीशो आपको दे रहा है उसके अकॉर्डिंग आप अपना एड का बजट मतलब कम या ज़्यादा करके क्रिएट कीजिए, डेफिनेटली कीजिए। अगर आप नहीं करेंगे तो आपका आपके अकाउंट की ग्रोथ हो नहीं पाएगी, तो वो 10 या 15 ऑर्डर्स के ऊपर ही आप अटके रहेंगे। तो अगर आपको अपने ऑर्डर्स बढ़ाने हैं तो ऐड कैंपेन रन कीजिए, लेकिन इतना भी मत रन कीजिए कि आपका जो भी बजट आप डाल रहे हैं वो आपका लॉस में जाए। तो मिनिमम आपको 10 का ROI मिलना चाहिए हर एड कैंपेन के ऊपर। अगर उससे कम आपको मिल रहा है तो उसको हटा दीजिए, उसी वक्त हटा दीजिए। डेली आप चेक कीजिए, डेली बजट आप क्रिएट कर सकते हैं कैंपेन के अंदर कि 300 रुपये पर डे, 400 रुपये, 500 रुपये, जो जैसे आपकी कैपेसिटी है उसके अकॉर्डिंग आप एड कैंपेन क्रिएट कर सकते हैं। जैसे जैसे आपके ऑर्डर्स बढ़े तो आप एड कैंपेन का बजट बढ़ा भी सकते हैं। उसके ऊपर डिटेल वीडियो में आपको बना के डाल दूंगा इस चैनल के ऊपर, तो आप चेक भी कर सकते हैं कैसे हम अपना एडिट करके बजट बढ़ा या कम भी कर सकते हैं। तो आप अपना बिजनेस ग्रो करना चाहते हैं मीशो के ऊपर तो आपको ऐड कैंपेन तो मस्ट है, वो करना ही पड़ेगा, तभी आपका बिजनेस ग्रो हो पाएगा। और सेकंड है उसके अंदर प्राइस रिकमेंडेशन। तो जो भी प्राइस रिकमेंड करता है मीशो, वो अपने जो उनके कॉम्पिटिटर प्लेटफॉर्म्स है जैसे फ्लिपकार्ट, अमेज़ॉन, उस वो अपने इंटरनल डाटा के अकॉर्डिंग चेक करता है कि मीशो से कौन लोअर प्राइस पे बेच रहा है फ्लिपकार्ट या अमेज़ॉन पे, तो उसके अकॉर्डिंग वो आपको रिकमेंड करेगा कि इस प्राइस पे आप सेल कीजिए तो आपके ऑर्डर्स बढ़ जाएंगे। तो मेरा सजेशन ये है कि जो भी रिकमेंड प्राइस वो मीशो आपको करता है उससे आप 30-40 रुपये थोड़ा एक्स्ट्रा करके ही उसको एक्सेप्ट कीजिएगा, क्योंकि क्या होता है अगर आप कम जो भी मीशो आपको सजेस्ट कर रहा है प्राइस उसी को आप कर लेते हैं तो कई बार उसमें लॉस में जाने का भी खतरा रहता है। तो मेरा आज का यही है कि दो बातें मैंने आपको बताई है। फर्स्ट कि एड कैंपेन रन कीजिए, मिनिमम बजट 300 का होता है तो मिनिमम बजट 300 का रख के और मिनिमम 10 का ROI आपको मिलना चाहिए। ये मैं 10 का ROI बार बार इसलिए बोल रहा हूँ, अगर 10 का ROI आपको नहीं मिल रहा है तो उस एड कैंपेन को हटा दीजिए वरना आप लॉस में चले जाएंगे। दूसरा है प्राइस रिकमेंडेशन। जो भी आपको मीशो डेली चेक कीजिए क्या प्राइस रिकमेंड कर रहा है, उससे 30-40 रुपये बढ़ाकर आप उसको एक्सेप्ट कीजिए, आपके ऑर्डर्स आने ज़रूर चालू होंगे। आपके ऑर्डर्स अगर बढ़ते हैं मेरे इस सजेशन से तो कमेंट एंड लाइक करके मेरे को बताइए, तो मैं ऐसी वीडियोज़ और बनाता रहूँगा। थैंक यू।